अलवर के भिवाड़ी से खबर, पुलिस अधीक्षक ने किया बड़ा खुलासा। अवैध हथियारों की बड़ी खेप की गई बरामद। कोटकासिम थाना पुलिस व स्पेशल टीम की कार्रवाई। 3 पिस्तल सहित कुल 16 हथियार व 12 जिंदा कारतूस बरामद। मामले पर पुलिस अधीक्षक कर रहे खुलासा। सर, पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, सर क्या है पूरा मामला? तो ये हमारे मुखबिर के थ्रू जो हमारे डीएसटी टीम इंचार्ज हैं उनके पास एक सूचना आई थी कि 2 लड़के मोटरसाइकिल पे काफ़ी मात्रा में हथियार लेके कोटकासिम बीबी रानी की तरफ उनका मूवमेंट है, जिसके ऊपर आईपीएस हैं सुजीत शंकर उनकी नेतृत्व में और डीएसटी इंचार्ज दारा सिंह, इन दोनों को डायरेक्शन जारी किए गए और उन्होंने उस आदमी को जब ट्रैक डाउन किया तो जो हमारा मुखबिर था उसकी सूचना बिल्कुल सही थी और 2 आदमी मोटरसाइकिल पर हमारे को मिले जिनके पास एक बैग था। ट्रैकडाउन किया तो उसमें काफ़ी मात्रा में अवैध हथियार हम लोगों को मिले, जिसके अंदर 3 पिस्टल हैं, 11 कट्टे हैं, कारतूस हैं, एक आपका कोना है। और जब उन दोनों का नाम पता हमने चेक किया तो एक का नाम निकला मंजीत और एक का नाम था हेमसी उर्फ अपने साका, तो दोनों ही भिवाड़ी जिले के रहने वाले हैं और मंजीत जो है इसके अंदर वो हमारा स्ट्रीट शीटर है। और एक और नाम जो हमारे सामने इसके अंदर भी खुला है, बाकी भी डिटेल इंटरोगेशन में और चीज़ें सामने आएंगी, वो तिजारा थाने के चवंडी गांव का एचएस है गुरुदेव, जो अवैध हथियारों की सप्लाई करता है, उसका नाम अभी हमारे सामने और आया है। और कौन कौन लोग हैं, कहां से ये लोग हथियार ला रहे थे और उनका पूरा नेटवर्क क्या है, उसके बारे में भी और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और आपके माध्यम से जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अवैध हथियार जो हैं वो अभी प्राइम टारगेट पे हैं हमारे, मार्केट में किसी भी व्यक्ति के पास अगर अवैध हथियार मिलता है तो हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और चूंकि अवैध हथियार अगर मार्केट में है और जो आदमी उनको रख रहा है तो ये बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है कि उसके दिमाग में क्राइम करने की प्रवृत्ति है, उसका झुकाव क्राइम की तरफ है। तो ऐसे जो भी लोग हैं उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। और किसी भी व्यक्ति, कोई भी अवैध हथियार हमारा जो टारगेट है जिसको हम लेके चल रहे हैं, आम जन के पास या कोई क्रिमिनल टाइप का आदमी है जो अवैध हथियारों काम करता है, उनके पास हम एक भी हथियार नहीं छोड़ेंगे, इसको लेके हम लोग प्रतिबद्ध हैं और इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। सर, अवैध हथियार के साथ और भी कोई तस्करी का सामान जो बेचते हैं? ये लोग जो भी हमारी प्राइमरी जांच में आई है, ये लोग स्प्रिट से दारू बनाने का काम भी अभी प्रारंभिक पूछताछ में आया है, ये लोग स्प्रिट लेते हैं उससे दारू, अभी ये कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ यह दारू बना के सप्लाई करते हैं, उस वो सारा सारा भी इंटरोगेशन हमारी बाकी है। जब हम डिटेल में इनकी पुलिस कस्टडी लेंगे तब बाकी चीज़ें खुलेंगी, पर अभी प्राइमर फेस ये सामने है कि लोग स्पीड से दारू बनाने का काम भी करते हैं। सर, ये लोग भिवाड़ी जिले में कहाँ से इन्होंने एंट्री की, कहाँ पर ये हथियार सप्लाई करते हैं? ये भरतपुर की साइड से आ रहे थे। हथियार सप्लाई भी कहाँ कहाँ करने वाले हैं वो भी अभी हमारी इतनी पूछताछ हुई नहीं है, डिटेल में सारी चीज़ें आएंगी निकल के, पर प्राइमर फेस ये लोग लाए हैं।